हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक पांडे और ये है जावा ट्री पॉइंट। इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं हमारा पेज डायरेक्टिव का एक पार्ट जो है सॉरी डायरेक्टिव का एक पार्ट पेज डायरेक्टिव, ठीक है। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पेज डायरेक्टिव के बारे में सब कुछ डीप में पढ़ने वाले हैं, सही से पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, वो सब बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा जेएसपी सीरीज का एक पार्ट है, मे बी 11th या 10th, कुछ भी हो सकता है। मुझे वीडियोस तो काउंट करके नहीं रखा है मैंने कि कितने वीडियो हुए हैं अभी तक। आई थिंक 11 या 12 होगा कुछ ऐसे फिलहाल। सो ये पेज डायरेक्टिव के पहले मैंने देखा इंक्लूड डायरेक्टिव। टोटल 3 डायरेक्टिव होते हैं हमारे डायरेक्टिव के अंदर, और ये जो डायरेक्टिव है टोटल जेएसपी के अंदर स्क्रिप्टिंग जो टैग्स है उसमें से एक है डायरेक्टिव टैग्स। 4 टैग्स हम लोगों ने पहले पढ़ा और पांचवा टैक्स हम पढ़ रहे हैं। पांचवा टैक्स में हमने इंक्लूड डायरेक्टिव देख लिया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका इंक्लूड डायरेक्टिव का सेकंड डायरेक्टिव पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव में कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास टोटल 13 एट्रीब्यूट है पेज डायरेक्टिव के, इससे मैंने सबको मेंशन किया है और किस लिए कैसे यूज होता है उसके बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। अभी तक अगर आपने कोर जावा पढ़ा रहेगा तो शायद आपको पता होगा कि हम पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्लास को एक्सटेंड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें हम जेएसपी में भी कर सकते हैं, सेम जैसे हम कोर जावा में करते थे वैसे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारा इंपोर्ट पेज एट्रीब्यूट वैल्यू, ये इसका लिखने का तरीका है पेज एट्रीब्यूट वैल्यू। तो सबसे पहला जो है हमारा इंपोर्ट है। इंपोर्ट टैग में देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, इंपोर्ट जावा यूटिलिटी। मुझे कोई ऐसा क्लास अपने पेज के अंदर यूज करना है जो किसी पैकेज के अंदर अवेलेबल है जावा के। जैसे कि यहाँ डेट की बात करूं, जावा यूटिल पैकेज के अंदर हमारा डेट क्लास अवेलेबल है, उसका मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो इस तरह से लिखना है पेज इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ओके। आई होप समझा होगा। कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप क्या होता है, हमें इस जेएसपी पेज को बताना पड़ता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। तो मैंने वहां पे सिंपली बताया है टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ठीक है। सो पेज कंटेंट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। आप इसी तरह से और भी किसी टाइप लाइक जावास्क्रिप्ट हो सकता है, XML हो सकता है, ऐसे आप वो सभी पास कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है हमारा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड तो शायद सबको ही पता होगा, हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट शायद सबको पता होगा अगर कोर जावा पढ़ा होगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट हमारा जावा में है कोर जावा में सेम एज इट इज यहाँ पे भी। अगर मुझे कोई ऐसा पेज हमारे ऐसे क्लास को इनहेरिट करना है अपने क्लास के अंदर जो कि पहले से बना हुआ है, मैंने ही बना है, या फिर हो सकता है और पहले से पैकेजेस में किसी पैकेज में पड़ा हुआ हो जो कि हमारा ओरेकल ने डेवलप करके रखा हो ऐसा, या फिर तुमने या हमने मैन्युअली बनाया हो कोई क्लास, अगर उसे हमने अपने पेज में इंपोर्ट करना है तो सिंपली हम लिख सकते हैं पेज एक्सटेंड एचटीपी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैंपल नाम दिया है जावा ट्री पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म जावा ट्री पॉइंट डॉट माई क्लास, मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया उसको इम्पोर्ट किया है, सॉरी इम्पोर्ट नहीं एक्सटेंड किया है, ठीक है। इस तरह से आप भी कोई भी एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि हमारा जेएसपी पेज इंटरनली एक सर्वलेट फाइल क्रिएट करता है। और सर्वलेट फाइल क्या होता है हमें पता ही होगा, सर्वलेट फाइल एक क्लास फाइल होता है, सर्वलेट फाइल एक क्लास फाइल होता है। तो जब क्लास फाइल है तो उसके अंदर हम एक्सटेंड इजिली कर ही सकते हैं। तो इंटरनली जब ये हम इम्पोर्ट एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पेज एक्सटेंड जेटीपी माई क्लास, तो माई क्लास जो है ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे जो हमारा पेज का नाम रहेगा उस क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनली हमारा जेएसपी पेज भी एक क्लास फाइल है, ठीक है। फोर्थ है हमारा इन्फो। इन्फो हम उस पेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं किस टाइप का पेज है, कौन सा पेज है, उसके बारे में आपको जो डिपेंडेंट है जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, जैसे इट्स जावा ट्री पॉइंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया सिंपली। बफर साइज की बात करते हैं, यहाँ पे बफर क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बफर मेमोरी शायद सबने सुना होगा, सेम चीज हमारे यहाँ पे भी होता है सर्वर साइड में भी कि अगर हम जो भी रिस्पांस दे रहे हैं यूजर को उसको मैं डायरेक्ट रिस्पांस यूजर को ना देखे पहले एक बफर मेमोरी में रख के फिर मैं यूजर को दू वहां से ट्रांसफर करूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं उस बफर का साइज दे सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट आप वहां पे नन रख सकते हो, आप साइज नहीं बफर मेमोरी नहीं देना चाहते हो आप सिंपली वहां पे नन रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही है, बाय डिफॉल्ट नन ही रहता है। बफर साइज 4KB मैंने यहाँ पे पास किया है, इसके अलावा आप नन भी रख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, हमारा जो हमारा सिक्स्थ है बफर के बाद वो है हमारा लैंग्वेज, पेज लैंग्वेज। अभी हम जावा में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिंपली जावा पास कर देना है,
ठीक है, पेज लैंग्वेज जावा। इज ईएल इग्नोर्ड, ईएल इग्नोर्ड क्या होता है, ईएल यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल इतना समझ लो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे फॉल्स रख सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। ईएल एक्सप्रेशन लैंग्वेज होता है जो कि आप अपने पेज में यूज कर सकते हैं। जब हम जीएसटीएल वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे ईएल क्या होता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, ईएल एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे मुझे स्क्रिप्टिंग का कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, या फिर हम नहीं करते हैं, सिर्फ हम टैग्स यूज करके पूरा जावा का कोडिंग भी लिखते हैं। ठीक है, वो कैसे है मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। मैंने हमारा जो एरर पेज मैंने पढ़ा है उसमें भी बताया है ईएल के बारे में, एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में, जीएसटीएल वगैरह कैसे यूज करते हैं, तो उसमें भी पढ़ा है मैंने। फिलहाल अभी इसको सिंपली ईएल इग्नोर को इग्नोर करो, और जब हम ईएल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तब हम ध्यान देंगे इस बारे में। तो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, आप फॉल्स रख सकते हो। इज थ्रेड शेप, इज थ्रेड शेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इज थ्रेड शेप इक्वल टू फॉल्स, अगर मैं इसको ट्रू रख रहा हूं मतलब हम अपने पेज को मल्टीपल थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यानी हमारे पेज को मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉल्स रख रहा हूं मतलब उस पेज को खाली एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, थ्रेड सेफ मतलब अभी यहाँ पे या तो ट्रू या फॉल्स, दो ऑप्शन है, हमारा वैल्यू दो पास कर सकते हैं फॉल्स या ट्रू। अगर आप ट्रू रख रहे हो तो हमारे पेज को खाली एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट, सॉरी अगर आप फॉल्स रख रहे हो तब ये एक पेज, एक जेएसपी पेज को एक थ्रेड एग्जीक्यूट करवा सकता है, जबकि अगर आप ट्रू रख रहे हो तो मल्टीपल थ्रेड इस पेज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी ये एग्जीक्यूशन का पार्ट मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया है, कैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है थ्रेड के थ्रू मैंने बताया था। जब सर्विस मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है तो इनिट मेथड एक थ्रेड क्रिएट करता है और सर्विस मेथड को एग्जीक्यूट करवाता है, तो हर पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक थ्रेड हमारा जनरेट होता है, ऐसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सेम चीज यहाँ पे वही है, मल्टीपल थ्रेड या सिंगल थ्रेड, अगर फॉल्स है तो हमारा सिंगल थ्रेड, ट्रू है तो हमारा मल्टीपल थ्रेड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ऑटो फ्लश, अगर हम बफर यूज कर रहे हैं, बफर यानी फिफ्थ नंबर पर जो हमारा बफर है, अगर बफर यूज कर रहे हैं तो हमें ये वाला पेज, ये वाला टैग, हमें ये वाला ऑटो फ्लश एट्रीब्यूट हमें यूज करना है। ये बताता है अगर हमारा बफर का साइज फुल हो गया तो, जैसे मैंने 5 KB 4 KB कुछ भी पास किया है, अगर वो साइज फुल हो गया तो ऑटो फ्लश होना चाहिए कि नहीं। अगर आपने ट्रू रखा है तो पहले का सब का फ्लश कर देगा, फिर नया हमारा जो रिस्पॉन्स रहेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, वो स्टोर होगा। अदरवाइज क्या होगा, सिंपली यहाँ पे हमें एरर आएगा। अगर हमारा बफर साइज फुल हो गया है और मैंने ऑटो फ्लश फॉल्स रखा है तो हमें एरर मैसेज आएगा, मतलब हमारा बफर साइज फुल करके ऐसा कुछ एरर मैसेज आएगा। ठीक है, पेज सेशन की बात करते हैं। अभी सेशन ऑब्जेक्ट हमें सबको पता है, हम अपने पेज में सेशन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये हमें यहाँ पे दिया है फॉल्स या ट्रू। जैसे कि सेशन के साथ हम लास्ट एक्सेस टाइम, वो सारे हमारे फंक्शंस रहते हैं ना, वो सब हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रू रख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, और अगर आप फॉल्स कर रहे हो तो आप नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, ऑटो फ्लश बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है और हमारा सेशन भी बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, हम यूज कर सकते हैं, आप चाहिए तो फॉल्स रख सकते हो। ठीक है, हमारा 11th क्या है, 11th है पेज इनकोडिंग। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप नेटबीन्स यूज करो तो हमें मिल ही जाता है, UTF-8 हमारा कैरेक्टर किस तरह से इनकोड होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट यूज करके, वो यहाँ पे हमें बताता है। इनकोडिंग यानी हमारा कैरेक्टर जितने भी रहते हैं उसको इनकोड होता है एक किसी फॉर्मेट पे, जैसे ASCII वैल्यू होता है वैसे UTF-8 भी होता है। तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट ये नेटबीन्स में आ ही जाता है, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पेज इनकोडिंग UTF-8 बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। एरर पेज की बात करते हैं। एरर पेज के अंदर हमें एक ऐसा पेज का नेम पास करना पड़ता है, या एड्रेस नहीं बोल सकते, एक पाथ पास करना पड़ता है जहां पे हमारा एरर पेज अवेलेबल रहता है। एरर पेज के अंदर हमारा क्या रहता है, हमने हमारे पेज में जो एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है मैं उसको किसी और पेज से हैंडल करने वाला हूं। जैसे हमारा करंट पेज home.jsp है, उसके अंदर मेरा कुछ एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है तो मैं उसको वहां पे ही ट्राई कैच लिखने से अच्छा मैं एक एक्सेप्शन पेज बना के रखा हूं, मैं उस पेज को यूज कर लूंगा उसको हैंडल करने के लिए, जो एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है उसको हैंडल करने के लिए मैं कोई और पेज यूज करूंगा। ठीक है, यानी एक्सेप्शन जनरेट होगा तो हमारा home.jsp ना एग्जीक्यूट होके कोई और पेज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस पेज का नेम पास करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया error.jsp। सो यहाँ पे अगर आप
नहीं देखा मेरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का वीडियो, मैंने तीन वीडियो बनाया है कैसे तीन तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन को, आप प्लीज उस वीडियो को देखिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा एरर पेज कब यूज करते हैं और इज एरर पेज कब यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया एरर पेज तब यूज करते हैं जब किसी एरर पेज को हमारे पेज के अंदर, हमारे एरर किसी किसी भी एरर पेज को, मे बी एरर पेज मैंने यहाँ पे नेम दिया, कुछ और पेज भी हो सकता है, कुछ और भी नेम हो सकता है, आप जो भी चाहे दे सकते हो, उस पेज को हमारे पेज में यूज करना है तो हम ऐसे ही लिखते हैं पेज एरर पेज इक्वल टू एरर डॉट जेएसपी, तो हमारा एक्सेप्शन जो जनरेट होगा ये एरर पेज हैंडल करेगा ना कि हमारा होम डॉट जेएसपी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। लास्ट वन है हमारा इज एरर पेज। इज एरर पेज शायद अभी जो जैसे मैंने बताया दो पेज के बारे में, एक एरर पेज एक होम डॉट जेएसपी, होम डॉट जेएसपी के अंदर एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है, उसे हैंडल करने वाला है एरर पेज। तो एरर पेज को एरर पेज बनाने वाला ये हमारा टैग है लास्ट वाला 13 इज एरर पेज। अगर इसको हम ट्रू रख रहे हैं तो उस पेज को ये एज अ एरर पेज कंसीडर करेगा, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेगा। यानी जो एक्सेप्शन हैंडल करने वाला है उस पेज को हमें बनाना है क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग पेज, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इज एरर पेज इक्वल टू ट्रू, तब वो पेज इज एरर पेज माना जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे जिससे मैं आपको बता सकूं, आपका हेल्प कर सकूं। और ये सारी चीजें मैं सब तो नहीं देख सकता, मैं एक एक एग्जांपल करके नहीं देखूंगा फिलहाल, बट इसमें से जो मोस्टली यूज होता है जैसे कि इम्पोर्ट होता है, एरर पेज इज एरर पेज, यूटीएफ पेट सेशन ऑटो फ्लश, ये सारी चीजें कॉमन है, ये अक्सर यूज होती रहती है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली हम करके देख सकते हैं। सो मैं इसी वीडियो में देखूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक मुझे ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहिए, बड़ा तो नहीं हो रहा है, ऐसे भी बड़े बड़े वीडियो बनते हैं। तो मैं क्या करता हूँ नेटबीन्स में इंपोर्ट जावा यूटिल डेट का सबसे पहले देख लेते हैं और बाकी टेक्स्टलेस एचटीएमएल का कुछ आउटपुट तो दिखेगा नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ इनकोडिंग पास कर सकते हो कंटेंट टाइप, एंड एक्सटेंड में हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है किसी और क्लास का तो यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक मैंने एडिशन सबट्रैक्शन का कोई क्लास बनाया है मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इम्पोर्ट करूंगा, सॉरी एक्सटेंड करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास हमें यूज करने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी दे सकते हो, बफर साइज 4KB जो भी देना है दे सकते हो, लैंग्वेज जावा इज ईएल इग्नोर्ड, फॉल्स फॉल्स रखो या ट्रू रखो आपके ऊपर है, अगर आप फॉल्स रख रहे हो तो वो इग्नोर नहीं होगा, अगर आप ट्रू रख रहे हो तो इग्नोर हो जाएगा। ईएल एक्सप्रेशन एंड थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ शायद पता हो आपको, अगर थ्रेड सेफ हम रख रहे हैं, अभी मैंने बताया जैसे कि मल्टीपल थ्रेड इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर हम इसको रख रहे हैं क्या फॉल्स, अगर ट्रू रख रहे हैं तो मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लाइक इंपोर्ट एरर पेज मैंने पहले भी किया है तो मैं वही दिखा दूंगा एरर पेज कैसे यूज करते हैं, एरर पेज कैसे यूज करते हैं, एंड हमारा इंपोर्ट कीवर्ड मैं यूज करके दिखाऊंगा, ये मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया है इंपोर्ट वगैरह, तो फिलहाल सबका यूज कैसे है इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं पेज के वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब वो कॉमन चीजें आप मत भूलिए क्योंकि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए वैसे मुझे मेरे लिए वो सब्सक्राइब एंड लाइक काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूछ रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ भी सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे जेएसपी के रिलेटेड, जावा के रिलेटेड, कोई भी लैंग्वेज कोई भी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, थैंक यू देखने के लिए।